हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैनिक स्मार्ट क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड ब्लड। आप ऑल इंडिया बेसिस पर कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड। अभी मैं आपको बताऊंगा ब्लड क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ब्लड। तो देखिए, ब्लड का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। तो ब्लड आप लोग तो देखे ही होंगे, ब्लड सॉलिड होता है या लिक्विड होता है। इट इज अ लिक्विड। तो हमें एक मिल गया क्या, ब्लड इज अ लिक्विड। ब्लड का काम क्या है? ब्लड हमारा शरीर में कोई भी चीज को, कोई भी सामान को, कोई भी जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सबको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। तो क्या इसका मतलब ये क्या करता है, कनेक्टर करता है। तो इट इज अ लिक्विड कनेक्टर। देन blood contains so many cells, that's why groups of cell is called tissue. तो what is blood? Blood is a liquid connecting tissue. Okay? उसके बाद देखिए blood का volume, हमारे शरीर में blood का volume कितने होता है ना, that is 5 to 6 liter. Okay? Now study of blood flow is called hemodynamics. हमारे शरीर में जो blood का flow होता है that is called hemodynamics. Okay? And mind it, study of blood is hematology. Clear? Okay. Now इट इज सॉल्टी इन टेस्ट। इसके टेस्ट कैसा होता है ना, सॉल्टी, नमकीन होता है। और इसके पीएच कितना होता है ना, 7.3 to 7.6। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द पीएच ऑफ द ब्लड। तो आंसर विल बी 7.3 to 7.6। ओके। नाउ व्हाट इज क्लॉटिंग टाइम? द क्लॉटिंग टाइम इज 3 to 8 मिनट्स। क्लॉटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे आपके सपोज कोई भी शरीर के अंग से ब्लड निकल रहा है, इंजरी हो गया, ब्लड निकल रहा है, तो कुछ देर बाद वो जम जाता है और इस जमना को ही कहते हैं ब्लड क्लॉट। अगर नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो उस जगह से सारे ब्लड बॉडी के बाहर निकल जाएगा और हम मर जाएंगे। बुझिए, समझ में आया? तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए, ब्लड कंटेन्स 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट। तो जो ब्लड होता है उसमें 3 तरह का कंपोनेंट होता है। First come plasma. This is a very important component of the blood, and mind it, the liquidity of the blood is due to presence of only plasma. Plasma के चलते ही blood liquid होता है। तो ये question भी आपके frame हो सकता है, the liquidity of the blood is due to presence of what? Plasma. Okay? तो देखिए अभी प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा का लाइफ स्पैन होता है 9 to 10 days. Okay? Now इट कंटेन्स मैक्सिमम वाटर। देखिए प्लाज्मा में मैक्सिमम वाटर ही होता है 90%, एंड इंक्लूडिंग इट आल्सो कंटेन्स साल्ट। साल्ट में क्या क्या होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब होता है। नाउ सम ब्लड प्रोटीन, और उसमें कुछ ब्लड प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि हमारा फाइब्रिनोजेन, देन प्रोथ्रोम्बिन, और भी एक चीज होता है, और भी एक ब्लड प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके तो ये सब का काम क्या है ना, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। मैं पढ़ाऊंगा अभी ब्लड क्लॉटिंग क्या है, कैसे होता है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर कोई पूछा जाए कि ये ब्लड प्रोटीन जैसे कि हमारा फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सब का लोकेशन किधर है ना, ये सब का लोकेशन है प्लाज्मा। क्लियर हो गया? अच्छा, और भी एक चीज पूछता है, तो विस्कस ब्लड क्या होता है, विस्कस नेचर होता है। द विस्कस नेचर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड प्रोटीन। क्लियर? अब चलते हैं आगे। नाउ कम टू ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स इज 2 टाइप। पहला होता है आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी। तो देखते हैं आरबीसी। आरबीसी इज अदरवाइज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। ओके। नाउ इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। सी, आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड। So red color of the blood is due to presence of what? Hemoglobin. Clear? Now lifespan, ये बहुत ही important, बहुत क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। What is the lifespan of the RBC? तो answer will be 100 to 120 days. Clear हो गया? अब सुनिए, hemoglobin helps in respiration. Hemoglobin का main काम क्या है? It carries oxygen and carbon dioxide. समझ में आया? तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है दैट कैरीज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। आई रिपीट, Hemoglobin carries oxygen in the form of oxyhemoglobin and carbon dioxide in the form of carbaminohemoglobin। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। मामालियन आरबीसी माने जो सब मामाल होते हैं, जो एनिमल्स मामाल होते हैं, जैसे हम लोग भी मामाल हैं, तो मामालियन आरबीसी में क्या होता है ना, न्यूक्लियस नहीं होता है। देखिए, डज नॉट कंटेन्स न्यूक्लियस एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। कैमल और लामा दो जानवर होते हैं जिनके शरीर में जो आरबीसी होते हैं, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि मामालियन आरबीसी में जो होता है न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। तो देखिए, अब आरबीसी जो होता है, देखिए ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है, ये बाई कॉनकेव शेप होता है। तो इसका काम क्या होता है, कैरी द ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो ये जब न्यूक्लियस इसमें रहेगा तो ये कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ से न्यूक्लियस हटा देंगे, यहाँ से न्यूक्लियस हटा देंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पर कुछ और ऑक्सीजन लग जाएगा। तो इसलिए टू कैरी मोर एंड मोर ऑक्सीजन न्यूक्लियस मींस एडल्ट आरबीसी में न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। समझ में आ गया। लेकिन कैमल और लामा में, ये भी मामाल है, यहाँ पर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो देखिए क्यों होता है। देखिए हमारा जो कैमल हो गया और लामा हो गया, उनका जो आरबीसी होता है एडवर्स कंडीशन में, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, वहां उनका साइज 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया। और उनके न्यूक्लियस इस तरह का एक डिस्क शेप होता है। तो अब देखिए, इतना बड़ा जब साइज हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बहुत सारा ऑक्सीजन कैरी करने का लायक बन जाएगा। और देखिए न्यूक्लियस एक डिस्क शेप है, तो इसमें होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कैमल्स एंड लामा में जो आरबीसी होते हैं उनका न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया। ओके, चलते हैं आगे। देखिए उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अदरवाइज कॉल्ड ल्यूकोसाइट। ओके, ये ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट। नाउ इट इज न्यूक्लिएटेड विदाउट हीमोग्लोबिन। इनमें न्यूक्लियस होता है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए डब्ल्यूबीसी का कलर कलरलेस होता है। नाउ इट्स लाइफ स्पैन इज 4 to 5 days। ये भी आपके वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, योर आंसर विल बी 4 to 5 days। क्लियर। नाउ कम टू द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है, एक ग्रानुलोसाइट होता है और एक ए ग्रानुलोसाइट होता है। ग्रानुलोसाइट्स मींस इनके सेल के भीतर सम ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, ग्रानुलोसाइट। ये 3 तरह का होता है, एओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो देखिए अब ना, एओसिनोफिल डिफेंसिव इन नेचर मीन्स अगर हमारा बॉडी में कुछ जर्म चला जाए तो ये एओसिनोफिल उन्हें किल कर देता है। बेसोफिल में एक ब्लड प्रोटीन रहता है जिसका नाम है हेपारिन, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है लेकिन ब्लड को क्लॉट करने नहीं देता है, इंटरनल ब्लड को क्लॉट करने नहीं देता है। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। उसके बाद एक आता है और एक ब्लड प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हिस्टामाइन। आपने देखा होगा किसी को, जैसे कि मान लीजिए नॉनवेज जैसे श्रिम्स खाने से, बॉइल्ड एग खाने से उनके बॉडी में इचिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एलर्जी एंड दैट एलर्जी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिस्टामाइन। इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए एंटी हिस्टामाइन की टैबलेट खाया जाता है। समझ में आया। अब देखिए न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ए टाइप ऑफ ग्रानुलोसाइट एंड दैट हेल्प इन डिफेंसिव, दैट डिफेंसिव इन नेचर मीन्स ये भी हमारा जर्म को किल करता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। नाउ ए ग्रानुलोसाइट मींस द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी दैट डज नॉट कंटेन्स एनी ग्रेन्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए ग्रानुलोसाइट। इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। देखिए पहला होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी मींस टाइप ऑफ ए ग्रानुलोसाइट दैट इज स्मॉलेस्ट इन शेप। तो अगर क्वेश्चन आया कि which is the smallest WBC, your answer will be lymphocyte. Similarly, monocyte is the largest WBC. Clear हो गया। Now इन दोनों का काम क्या होता है ना, highly defensive in nature. ये भी हमारा germ kill करता है। समझ में आया। Now come to one important note. See, T lymphocyte Or T cell is highly defensive, produced in the bone marrow and developed in the thymus. Listen, T cell or T lymphocyte is also a type of WBC or subtype of WBC that is present, means that form inside the red bone marrow, and it help in killing the germs that enter to our body. Okay? तो देखिए अभी ये T cell के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन एचआईवी वायरस इंटर इनटू द बॉडी दैट किल्स फास्ट टी सेल. जब एचआईवी वायरस की इंफेक्शन होता है बॉडी में तो ये एचआईवी वायरस फर्स्ट किसे किल करता है ना, टी सेल को किल करता है और टी लिम्फोसाइट. तो ये टी लिम्फोसाइट और टी सेल डेवलप होता है हमारा बोन मेरो मीन्स रेड बोन मेरो में, और इसे नरिशमेंट मिलता है कहां पर ना थाइमस. थाइमस एक ग्लैंड है बॉडी में, हार्ट के पास होता है, जहां पर ये नरिशमेंट इसको मिलता है और ये और ज्यादा डेवलप होता है. समझ में आया? अगर एग्जाम में पूछेगा फॉर्मेशन कहां होता है तो रेड बोन मेरो, लेकिन उसके डेवलपमेंट कहां होता है ना थाइमस ग्लैंड में. ओके, और टी सेल का और टी लिम्फोसाइट का काम क्या है, इट इज हाईली डिफेंसिव इन नेचर. जब एचआईवी वायरस इंटर करता है बॉडी में तो फर्स्ट ये टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है. तो ये कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. Now another important note that formation of new blood corpuscles is called hemopoiesis. Okay, तो ये सब भी क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस. सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस. क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं. नाउ ब्लड प्लेटिलेट, दिस इज द थर्ड कंपोनेंट. That is called blood platelet. This is otherwise called thrombocytes. Clear? Now these are non-nucleated in mammal and nucleated in reptile and birds. Mammals में ये क्या होता है ना non-nucleated, means इनमें कोई nucleus नहीं होता है. लेकिन reptiles जैसे कि हमारा snake हो गया, lizard हो गया, समझ में आए, and birds उनमें क्या होता है, ये nucleated means इसमें nucleus होता है. क्लियर हो गया? इट इज इरेगुलर शेप, इनके कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, एंड आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशल सेल दैट इज कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट सेल. ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि व्हिच इज द स्पेशल सेल बाय व्हिच आवर ब्लड प्लेटिलेट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट सेल, एंड दैट मेगाकैरियोसाइट सेल प्रेजेंट इन रेड बोन मेरो. क्लियर? उसके बाद चलते हैं, ब्लड प्लेटिलेट का काम क्या है ना, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. ओके, चलते आगे. देखिए उसके बाद आता है बोन मेरो. बोन मेरो एक लिक्विड की तरह होता है जो बोन के भीतर प्रेजेंट रहता है. तो देखिए इट इज ए फ्लेक्सिबल टिश्यू फाउंड इन इंटरनल पार्ट ऑफ द बोन. तो इसके टाइप कितने होते हैं बोन मेरो? टू टाइप, रेड बोन मेरो एंड दैट इज कॉल्ड येलो बोन मेरो. फर्स्ट पढ़ते हैं रेड बोन मेरो. इट इज फाउंड इन पेल्विस, हमारा जो कूल्हे की हड्डी होता है उसे पेल्विस कहते हैं, तो पेल्विस में मिलता है, देन रिब्स में एंड वर्टिब्रे हमारा बैक बोन में भी मिलता है. नाउ इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट एंड ऑल्सो टी सेल, दैट इज टी सेल. समझ में आया? तो हमारा जो मेनली आरबीसी प्रोड्यूस होता है कहाँ प्रोड्यूस होता है ना, रेड बोन मेरो में. डब्ल्यूबीसी कहाँ? रेड बोन मेरो. प्लेटिलेट रेड बोन मेरो. टी सेल रेड बोन मेरो. लेकिन एक इम्पोर्टेंट नोट आपको बता रहा हूं कि जब हम हमारे मदर के यूटेरस में थे मीन्स इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन आवर आरबीसी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द लीवर. एम्ब्रियो में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि एम्ब्रियो में आरबीसी कहां प्रोड्यूस होता है तो योर आंसर विल बी लीवर. क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे. येलो बोन मेरो. येलो बोन मेरो इट इज फाउंड कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन जैसे कि हमारा फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया, इसके भीतर येलो बोन मेरो होता है. द येलोइश नेचर ऑफ द बोन मेरो इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट. समझ में आया? तो हमारे बॉडी में फैट और एक जगह भी स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड एडिपोस टिश्यू. क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं. एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, ड्यूरिंग द अभी येलो बोन मेरो का काम क्या है ना, ड्यूरिंग द सीवियर ब्लड लॉस येलो बोन मेरो कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मेरो एंड प्रोड्यूस आरबीसी. सीवियर ब्लड लॉस मींस सपोज किसी का एक बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बहुत सारे ब्लड लॉस हो गया, तो उस समय इमरजेंसी टाइम में येलो बोन मैरो इज कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो एंड प्रोड्यूस आरबीसी, बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, दैट्स व्हाई एक्सटर्नल ब्लड रिक्वायर। अब एक इंसान का 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया, तो येलो बोन, नो डाउट येलो बोन मैरो कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो एंड प्रोड्यूस आरबीसी, बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसलिए उसे बाहर से ब्लड की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? अभी मैं पढ़ाऊंगा, ब्लड ग्रुप भी आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो देखिए अब नाउ द ब्लड क्लॉटिंग, देखिए इसे मैं बाद में बताऊंगा, आपको पढ़ के सुनाऊंगा, पहले हम समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या है। देखिए ये हमारा एक इंजर्ड ब्लड सेल, ब्लड वेसल, वेसल मीन्स ट्यूब, इट मे बी आर्टरी मे बी वेन। तो जब ये इंजोर हो जाएगा तो यहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड ओजिंग ऑफ द ब्लड। तो जहां पर इंजुरी रहेगा, द साइट ऑफ इंजुरी में जो सेल होते हैं और टिश्यू होते हैं वो डेड हो जाएंगे। तो देखिए अभी दैट इज कॉल्ड डेड टिश्यू, तो ये डेड टिश्यू हो गया। यहाँ पर और भी एक प्रोटीन आ जाता है, ब्लड प्रोटीन एट द साइट ऑफ इंजुरी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का लोकेशन क्या है ना, प्लाज्मा। तो देखिए अभी दैट इज डैमेज टिश्यू में लिख रहा हूं, और डेड टिश्यू, डेड टिश्यू नंबर 2 थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इट इज अ ब्लड प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा। नाउ थर्ड इज कैल्शियम आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम कि व्हिच मेटल आटम हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, योर आंसर विल बी कैल्शियम आयन। नाउ नंबर 4 व्हिच विटामिन हेल्प इन blood clotting, that is called vitamin K. Vitamin K is called anti-hemorrhage vitamin also, means hemorrhage means blood flow, anti-hemorrhage blood clot, तो ये vitamin blood clot में help करता है, that's why it is called what, anti-hemorrhage vitamin। उसके बाद नंबर 5 में आता है blood platelet, तो platelet also help in what, blood clotting। and number 6 blood factor, blood factor, ये 13 तरह के मीन्स 13 ब्लड फैक्टर फाउंड इन आवर ब्लड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके 13, तो ये 6 चीज मिलकर एक इनएक्टिव ब्लड प्रोटीन दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है ना, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन। ओके, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन by the action of these 6 factors or 6 components. Now that thrombin acts upon another blood protein that is called fibrinogen. Fibrinogen, or that fibrinogen converted into fibrin. Now this fibrin is nothing but a protein that contains fibrous protein. इस तरह का फाइबर प्रोटीन होता है, कौन, फाइब्रिन। And that fibrous protein or fibrin form a network around the wound. Wound मतलब होता है घाव, ओके? तो wound के चारों तरफ इस तरह सा एक network create करता है, so that further blood flow stop. And that is nothing but blood clot. समझ में आया? तो देखिए उसे ही हम पढ़ के सुनाते हैं। During the blood injury, what happens? The damaged tissue, then blood platelet, thromboplastin, calcium ion, blood factors and vitamin K converted inactive blood protein that is called prothrombin to thrombin. Now thrombin convert another inactive blood protein that is called fibrinogen to the fibrin. That fibrin form a network around the wound and leads to stop of the blood flow, that is called blood clotting. Clear हो गया? अब देखिए ये फाइब्रिन अगर ब्लड वेसल के भीतर आ गया तो इंटरनल ब्लड क्लॉट होने का चांसेस रहता है, तो इसे स्टॉप करता है अनदर ब्लड प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हेपारिन। ओके, ये इंटरनल क्लॉट करने नहीं देता है। और क्लॉटिंग का अनदर वर्ड है, उसके सिनोनिम दैट इज कॉल्ड कोआगुलेशन। कोआगुलेशन मीन्स क्लॉटिंग। तो ये हमारा इंटरनल ब्लड क्लॉट कराता है या क्लॉट नहीं कराता है? क्लॉट नहीं कराता है, तो इसलिए इसे एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट कौन? ना हेपारिन। देखिए, another blood protein called heparin prevent the internal clot, that's why it is called anticoagulating agent। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि which is called anticoagulating agent, your answer will be heparin। तो this is all about your blood clot। चलिए आगे चलते हैं। Come to spleen। Spleen is also a organ। देखिए, इट इज ए ऑर्गन फाउंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के लेफ्ट साइड में होता है। इट्स इंपोर्टेंट रोल इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। देखिए, इमरजेंसी के समय ये भी आरबीसी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका मेन काम होता है ना स्टोर द ब्लड, ब्लड को स्टोर करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरियस एग्जाम में आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड बैंक? दैट इज स्प्लीन, नॉट हार्ट। हार्ट में 1 मिनट के अंदर सारे ब्लड, बॉडी के सारे ब्लड घुसता है और फिर निकल भी जाता है। समझ में आया? तो हार्ट इज नॉट द डिपोजिटर ऑफ द ब्लड। ओके, चलिए अब देखिए, इट ऑल्सो वंस आउट ओल्ड आरबीसी, सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। मीन्स देखिए, जब आरबीसी डेड हो जाता है, दैट आर ऑब्जर्व बाय द स्प्लीन, तो जो कि एक ग्रेवियट के काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेवियट ऑफ द आरबीसी। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं आगे ना ब्लड ग्रुप। देखिए, ब्लड ग्रुप बिफोर 1900 नोबडी न्यू अबाउट द ब्लड ग्रुप। इन 1900 ए फेमस, ए ग्रेट साइंटिस्ट कॉल्ड कार्ल लैंडस्टेनर डिस्कवर्ड फर्स्ट द ब्लड ग्रुप। तो देखिए, ये सब लिखा है, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर। ही डिवाइडेड ब्लड इनटू 3 ग्रुप, व्हाट आर दोज? ए, बी एंड ओ, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एबीओ ग्रुप। समझ में आया? अब देखिए, उनके 2 स्टूडेंट, मतलब कार्ल लैंडस्टेनर के 2 स्टूडेंट एंड्रीनो स्टेनी एंड अल्फाड कैस्टेलो इन 1902 मींस और 2 साल बाद डिस्कवर अनदर ब्लड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एबी ब्लड ग्रुप। ओके, अब चलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी, ये मैं बाद में आऊंगा, पहले आपको वो ग्रुप की चार्ट में बताता हूं और धीरे धीरे फिर यहां पर आऊंगा, तो आप लोग को एंटीजन एंटीबॉडी पूरा क्लियर समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। ये हमारा ब्लड ग्रुप का एक चार्ट है, इसे आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। देखिए कैसे सब, ये है ब्लड ग्रुप क्या क्या, ए बी एंड ओ। नाउ कम टू एंटीजन। एंटीजन कार्ल लैंडस्टेनर ने कहा कि जिसके ब्लड ग्रुप जो होता है उसके एंटीजन भी वही होता है। देखिए, ए का ब्लड ग्रुप, देखिए ये है ब्लड ग्रुप ए, उसका एंटीजन ए, बी ए बी, तो इसका भी ए बी। बट ओ डज नॉट कंटेन्स एनी एंटीजन। व्हाई? बिकॉज देखिए, एक ब्लड प्रोटीन ब्लड में होता है, दैट इज कॉल्ड एच एंटीजन, एच एंटीजन, एंड दिस इज द प्रीकर्सर ऑफ अदर एंटीजन। मीन्स इसी एच एंटीजन के द्वारा ही अदर एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? तो ये ओ ग्रुप में एच एंटीजन प्रेजेंट रहता है, बट इट इज इन द सप्रेसिव, दबा हुआ रहता है, जिसके कारण उसके कोई एंटीजन फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन 1952 मुंबई में अनदर साइंटिस्ट वाई एम भेंडे बोलकर एक साइंटिस्ट ने एक नया ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था, जिसमें एच एंटीजन ही नहीं था, तो उन्होंने उस नया ब्लड ग्रुप के नाम दिया था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ओके, तो अगर आपको पूछा जाए कि ओ ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन होता है नहीं होता है? होता है, बट दबा हुआ रहता है, जिसके चलते वो और एंटीजन फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ये टोटल एच एंटीजन ही नहीं रहता है। तो देखिए, उसके बाद एंटीबॉडी, एंड ही टोल्ड द एंटीबॉडी इज अपोजिट ऑफ व्हाट? दैट एंटीजन एंड रिटन इन स्मॉल लेटर। तो देखिए, ए का एंटीबॉडी क्या होता है? स्मॉल बी, बी का स्मॉल ए, ए बी का कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं। सिमिलरली ओ का एंटीबॉडी 2 होता है, ए एंड बी। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये चीज हम लोग खुद निकालेंगे, ये तो एक डाटा दे दिया गया है, तो अब हम निकालेंगे कि ए ग्रुप वाले किसे डोनेट करेगा और किससे एक्सेप्ट करेगा। ओके, नाउ कम टू डेफिनेशन ऑफ एंटीजन। देखिए एंटीजन क्या लिखा गया है? एंटीजन और एग्लूटिनोजेन, इसे एग्लूटिनोजेन भी बोलते हैं। तो इट इज ए ब्लड प्रोटीन फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन, कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। ओके, दैट सेल मेम्ब्रेन में होता है इंडिकेटिंग द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, फॉर द एंट्रेंस ऑफ द फॉरेन एंटीजन। तो अभी देखिए, इसको मैं सिंपली बोल रहा हूं। एंटीजन इज ए टाइप ऑफ ब्लड प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, एक्ट एज ए स्टिमुलेटर फॉर द एंट्रेंस ऑफ फॉरेन एंटीजन टू द व्हाट, टू द होस्ट एंटीबॉडी। अब देखिए, मैं इसी को और एक अच्छे से समझाता हूं जो टेबल में है। देखिए, सपोज ए वाला जो जिसके ब्लड ग्रुप ए है, उन्होंने ब्लड दिया बी को, तो फॉरेन एंटीजन क्या प्रवेश किया, ए। अब देखिए, बी के बॉडी में जो एंटीजन है वो क्या है, बी है। तो दैट बी मींस दिस एंटीजन एक्ट एज ए स्टिमुलेटर फॉर द एंट्रेंस ऑफ फॉरेन एंटीजन टू द होस्ट एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करेगा कि एक फॉरेन एंटीजन घुस रहा है आपके बॉडी में। वो फॉरेन एंटीजन क्या है ना, दैट इज कॉल्ड ए। अब एंटीबॉडी का डेफिनेशन क्या है, देखिए, इट इज ए antibody, it is a blood protein found in the plasma that fight against the foreign antigen and harmful bacteria and virus। तो जैसे ही foreign antigen घुसा, अंदर घुसा किसके बॉडी में ना, B blood group के बॉडी में, तो stimulate किया कौन ना, this B antigen, that one foreign antigen enter into your body and that antibody means this antibody fight with that foreign antigen। ओके, तो देखिए, जब फाइट होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो देखिए कैसे होता है, ये फॉरेन एंटीजन ऐसा लिख रहा हूं, ऐसे हो गया ए, दैट इज ए। तो इसके साथ फाइट में और एक कलर कर दे रहा हूं, देखिए ये एंटीबॉडी इसके साथ फाइट मींस ऐसे इस तरह से क्लम्पिंग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैपिटल ए मीन्स सॉरी स्मॉल ए, दैट इज एंटी होस्ट एंटीबॉडी। तो देखिए, एक तरह का ऐसा क्लम्पिंग होगा, किसके बॉडी में होगा, होस्ट के बॉडी में जो रिसीव किया ब्लड। तो बी के बॉडी में क्या हो जाएगा ना, इस तरह से एक क्लम्पिंग शुरू होगा, सो दैट यहाँ पर फर्दर ब्लड सर्कुलेशन और नहीं होगा। किसके बॉडी में, बी के बॉडी में, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो जिसके कारण बी के डेथ होना निश्चित है। तो बी कैन नॉट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द ए मीन्स जिसके ब्लड ग्रुप ए होता है वो बी को ब्लड नहीं दे सकता है। तो बी को ब्लड दे सकता है कौन, उसी के ग्रुप मींस बी ब्लड ग्रुप। तो देखिए, कैन एक्सेप्ट, बी कैन एक्सेप्ट बी ब्लड ग्रुप। तो ये ओ जो लिखा है इसे हम बाद में समझेंगे। और डोनेट किसको करेगा, उसी के मतलब ब्लड ग्रुप, जैसे कि बी, तो ये ए बी, इसको हम बाद में समझेंगे। तो उसके बाद देखिए, ऑपोजिट चलते हैं, बी डोनेट टू ए। बी ब्लड ग्रुप जिसके होता है वो डोनेट किया जिसके ब्लड ग्रुप ए है। तो अभी देखिए, सिमिलर फंडा, तो बी जब इसको ब्लड दिया तो फॉरेन एंटीजन क्या गया ना, बी गया। तो ये स्टिमुलेट काम किया, क्या फॉरेन एंटीजन बी घुस रहा है, किसके लिए स्टिमुलेट किया ना, एंटीबॉडी बी के लिए, होस्ट एंटीबॉडी। तो देखिए, अभी ये कैपिटल बी और स्मॉल बी मीन्स एंटीजन, फॉरेन एंटीजन और एंटीबॉडी में फाइट होगा, इस तरह से क्लम्पिंग होगा, किसके बॉडी में, ए के बॉडी में। तो फर्दर ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट पॉसिबल इन एज बॉडी, That's why A cannot receive the blood from B। तो किसके ब्लड ले सकता है, सिर्फ अपने ही ग्रुप के, जैसे A के, और दे सकता है किसे, A के, A को दे सकता है और A से ले सकता है। समझ में आया। अब चलते हैं आगे, AB। अब देखिए, AB ब्लड ग्रुप जिसका है वो ब्लड डोनेट किया A को, तो फॉरेन एंटीजन क्या गया, A एंड B। फाइट करने के लिए क्या है ना, एंटीबॉडी है, जिसके लिए ए बॉडी में क्लम्पिंग शुरू हो जाएगा। तो ए बी कैन नॉट डोनेट ए, नाउ ए बी डोनेट टू बी। तो देखिए, बी को जब डोनेट किया, फॉरेन एंटीजन क्या गया, ए एंड बी गया, एंड फाइट करने के लिए क्या है, एंटीबॉडी है। तो यहाँ बी के बॉडी में भी क्लम्पिंग्स होना शुरू हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। सो ए बी ऑल्सो कैन नॉट गिव ब्लड टू दी बी ऑल्सो। एंड नाउ कम टू ए बी डोनेट टू ओ ब्लड ग्रुप। देखिए, ओ ए बी ब्लड ग्रुप जब दे रहा है किसे ना, ओ ब्लड ग्रुप को। देखिए, यहां पर स्टिमुलेशन करने के लिए एंटीजन नहीं है, किसके बॉडी में, ओ के बॉडी में, लेकिन फाइट करने के लिए दो दो एंटीबॉडी है। तो ओ के बॉडी में जब ए बी ब्लड देंगे तो क्या होगा, क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगा, किसके बॉडी में, जिसके ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो AB also cannot give blood to the what? O blood group. तो दे सकता है किसे? सिर्फ उसी के ब्लड ग्रुप, मींस कैन डोनेट ओनली AB. समझ में आया? अब एक्सेप्ट केस में देखिए, AB को ब्लड दे रहा है A ब्लड ग्रुप, जिसके ब्लड ग्रुप A होता है वो, इसे मैं इरेज कर देता हूं सो दैट इजीली समझ में आएगा. देखिए A वाला जिसका ब्लड ग्रुप है वो AB को ब्लड दिया, फॉरेन एंटीजन क्या गया? A गया, लेकिन फाइट करने के लिए AB के बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो इसलिए A वाले क्या ब्लड, किसको ब्लड दे सकता है? AB को ब्लड दे सकता है. फाइट करने के लिए एंटीबॉडी नहीं है तो AB के बॉडी में कोई क्लंपिंग नहीं होगा, तो इजीली इट रिसीव द ब्लड दैट कंटेन्स A ब्लड ग्रुप. ओके, सिमिलरली B के भी द्वारा, B भी जब ब्लड देता है AB को तो AB इजीली रिसीव B ब्लड ग्रुप एंड ऑल्सो O ब्लड ग्रुप. तो इसका मतलब क्या हो गया ना, AB ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ऑल दी ग्रुप्स. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम कि व्हिच इज द यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, दैट इज AB. ओके, देखिए कैन एक्सेप्ट O, A, B एंड AB. क्लियर हो गया? अब चलते हैं O के केस में. तो देखिए अभी सपोज O कैन रिसीव A ब्लड ग्रुप, जिसके ब्लड ग्रुप A होता है उसके बॉडी से ब्लड रिसीव किया गया, किसे? ना O को. तो देखिए फॉरेन एंटीजन A चला गया, तो फॉरेन एंटीजन जब A चला गया, यहाँ पर एंटीजन स्टिमुलेट करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन फाइट करने के लिए O के बॉडी में दो दो एंटीबॉडी है, तो क्लंपिंग होना शुरू हो जाएगा O के बॉडी में. सो A कैन नॉट गिव O, सिमिलरली B कैन नॉट गिव O, सिमिलरली AB कैन नॉट गिव O. तो O को दे सकता है कौन? ओनली O ब्लड ग्रुप. तो देखिए कैन रिसीव, O वाले जो O वाले ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ओनली O. अब देखिए डोनेट केस में चलते हैं. O डोनेट ब्लड ग्रुप A, जिसके ब्लड ग्रुप A होता है उसे O ब्लड दिया. देखिए फॉरेन एंटीजन तो नहीं गया कोई, इसके फॉरेन एंटीजन कुछ नहीं होता है, तो फॉरेन एंटीजन कुछ नहीं गया, तो ये एंटीबॉडी फाइट किसके साथ करेगा? किसी के साथ नहीं, तो A के बॉडी में कोई क्लंपिंग नहीं होगा. दैट्स वाई O कैन गिव A, सिमिलरली O कैन गिव B, सिमिलरली O कैन गिव AB. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? व्हिच इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर, दैट इज कॉल्ड O ब्लड ग्रुप. देखिए O कैन डोनेट AB, A, B एंड O. समझ में आया? तो दैट मीन्स यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर इज AB एंड यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज व्हाट? O. समझ में आया? चलते हैं, आगे चलते हैं. उसके बाद देखिए 1940, 40 साल बाद सेम साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर एंड अनदर साइंटिस्ट एस विनर डिस्कवर अनदर ब्लड प्रोटीन इन द ब्लड. किसके ब्लड में? ना एक मंकी, दैट इज कॉल्ड रेसेस मंकी. उसके नाम दिया गया RH फैक्टर. देखिए इधर लिखा गया है RH फैक्टर, RH फैक्टर और RH प्रोटीन. तो देखिए ये लिखा इट इज अ ब्लड प्रोटीन एंड नेम्ड इट RH फैक्टर, RH प्रोटीन और RH फैक्टर. RH का फुल फॉर्म होता है रेसेस. ओके, दैट इज कॉल्ड रेसेस फैक्टर और रेसेस प्रोटीन. उसके बाद कुछ दिनों बाद देखा गया कि ये RH प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में भी होता है. तो अब देखिए जो इंसान के बॉडी में ये RH फैक्टर रहता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिसके बॉडी में ये RH प्रोटीन नहीं रहता है और RH फैक्टर नहीं रहता है उसे कहते हैं RH नेगेटिव. तो देखिए RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव. ओके, तो देखिए जिसके मान लीजिए ब्लड ग्रुप A होता है जिसमें कि RH फैक्टर होता है उसे हम बोलते हैं क्या? A पॉजिटिव. सिमिलरली B पॉजिटिव, सिमिलरली AB पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव. तो इसका मतलब अगर पूछा जाएगा कि A पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ना, जिसके ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होता है उसके ब्लड में, उसके ब्लड ग्रुप तो A होता ही है, उसमें एक ब्लड प्रोटीन और द RH फैक्टर जिसे बोलते हैं RH फैक्टर वो भी प्रेजेंट रहता है. एंड माइंड इट, RH फैक्टर मींस RH प्रोटीन में एक स्पेशल डोमिनेंट जीन होता है जिसे बोलते हैं R जीन. क्या बोलते हैं उसे? R जीन. तो ये जहां भी जाता है, जिसके ब्लड में जाएगा क्लंपिंग कराएगा. तो देखिए अभी अब जिसके बॉडी में आरएच फैक्टर नहीं होता है उसे बोलते हैं आरएच नेगेटिव, जैसे कि ए नेगेटिव, देन बी नेगेटिव एंड देन ए बी नेगेटिव एंड देन ओ नेगेटिव। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा यूनिवर्सल ब्लड डोनर हम किसे बोले थे? ओ बोले थे। तो अभी हम जानेंगे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ये हमें पता नहीं, ये हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सपोज मैं पहले ले गया ओ पॉजिटिव, मीन्स इसमें आर जीन है, तो ये सपोज ए नेगेटिव को ब्लड देगा। तो ए नेगेटिव मीन्स इसमें कोई आरएच फैक्टर नहीं होता है, तो आर जीन भी इसमें नहीं होता है। तो डोनर मीन्स डोनेट ब्लड लाइक दिस। तो देखिए मैं बताया था कि जो पॉजिटिव वाले होते हैं मीन्स आरएच फैक्टर जिनमें रहता है उनमें एक डोमिनेंट जीन रहता है जिसे कहते हैं आर जीन। तो ये आर जीन जहां भी जाता है मीन्स एसेप्टर के बॉडी में जाने से ये क्लम्पिंग करना शुरू होता है, सो दैट एसेप्टर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है। तो जब ये ब्लड देगा किसे? ए नेगेटिव को, तो बाहर से आर जीन जाएगा। तो बाहर से जब आर जीन जाएगा तो क्या होता है? तो इसमें क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? जब जैसे ही क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगा तो इसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा। तो अब बताइए ओ पॉजिटिव वाले नेगेटिव ब्लड ग्रुप को दे सकते? ये मैं ए नेगेटिव लिया हूं, आप बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। तो क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इन दिस केस ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट द ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव। तो ये एक डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए सेकेंड केस ए पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव में जब ओ पॉजिटिव वाले ब्लड देंगे तो क्या होगा? बाहर से आर जीन गया, लेकिन होस्ट के बॉडी में भी आर जीन है, तो आर जीन सिमिलर होने के चलते इसमें क्या होता है? क्लम्पिंग नहीं होता है। तो इन दिस केस ब्लड डोनेट कैन पॉसिबल, बट एक केस में तो ब्लड डोनेट कैन नॉट पॉसिबल, सो ये डिस्कार्ड हो गया। तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब चलते हैं ओ नेगेटिव। ओके, दैट इज कॉल्ड सेम थिंग। हम लोग ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, दैट मीन्स इसमें आर जीन नहीं होता है। अब देखिए सपोज हम लेंगे ए नेगेटिव। ओके, चलिए अब देखिए ये ब्लड डोनेट ए नेगेटिव वाले को किया। समझ में आया? तो अब देखिए यहां भी आर जीन नहीं है, यहां भी आर जीन नहीं है, तो ये केस पॉसिबल है। मींस ओ नेगेटिव कैन डोनेट द ब्लड टू एनी आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब देखिए ए पॉजिटिव वाले, तो ए पॉजिटिव वाले में आर जीन इसके बॉडी में होता है, लेकिन जब ये ब्लड डोनेट करेगा, ये ओ नेगेटिव है मींस आर जीन नहीं है, बाहर से कोई आर जीन गया कि नहीं गया, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव के बॉडी में क्लम्पिंग होना नहीं शुरू होगा। तो इसके मतलब ये ओ नेगेटिव वाले ओ मींस एनी आर एच पॉजिटिव को इजीली ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये केस सेटिस्फाइड। तो देखिए ये केस में बोथ दी केस सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन हो गया ना? ओ नेगेटिव। ओके, उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर, दैट इज ए बी। पॉजिटिव की नेगेटिव हमें नहीं पता, वो हम निकालेंगे। देखते हैं ए बी नेगेटिव। सेम केस लेते हैं ए पॉजिटिव, मीन्स आर जीन इसमें प्रेजेंट रहता है। तो देखिए अभी ऐसे ब्लड गया, तो जब ये ब्लड रिसीव करेगा तो उसके बॉडी में क्या इंटर करेगा? आर जीन। तो आर जीन में बोला था जब जहां भी जाएगा क्लम्पिंग होना शुरू करेगा। तो ए बी के बॉडी में क्लम्पिंग होना शुरू होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, जिसके चलते हम ए बी नेगेटिव वाले को कोई भी पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं दे सकते। समझ में आया? उसके बाद चलते हैं ए नेगेटिव। तो इसमें आर जीन नहीं होता है, तो ये केस डिस्कार्ड हो गया। ये केस में पॉसिबल हो सकता है, बाहर से आर जीन कोई गया ही नहीं, तो ये केस में पॉसिबल। मींस ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट एनी आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप, लेकिन ये केस तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो ए बी नेगेटिव इज नॉट यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर। अब देखिए ए बी पॉजिटिव करके देखते हैं। सेम केस लेते हैं ए पॉजिटिव, मीन्स आर जीन यहां भी है, मीन्स डोनर के पास भी है और एक्सेप्टर के पास भी है। तो आर सेम टाइप ऑफ जीन, इसलिए क्लम्पिंग नहीं होगा। तो ये केस सेटिस्फाइड, मीन्स ए बी पॉजिटिव कैन एक्सेप्ट एनी आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। नाउ सेकंड केस में देखते हैं ए बी ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव में कोई आर जीन नहीं होता है। तो ये केस में देखिए बाहर से कोई आर जीन गया कि नहीं गया, क्योंकि ये RH नेगेटिव है, मींस A नेगेटिव मींस नो आर जीन प्रेजेंट, ओनली होस्ट के बॉडी में है, एक्सेप्टर के बॉडी में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर से तो कोई आर जीन गया नहीं। तो एनी AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट एनी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो ये केस सेटिस्फाइड। देखिए बोथ दी केस सेटिस्फाइड हो गया, तो इसका मतलब यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर क्या हो गया ना AB पॉजिटिव। तो समझ में आया। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव में, तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज ओ नेगेटिव एंड यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर इज ओ ए बी पॉजिटिव, तो वही केस लिखा गया है। देखिए ए पर्सन हैविंग नो, शुरू से ही पढ़ देता हूं, ए डोमिनेंट जीन कॉल्ड आर जीन दैट इज प्रेजेंट इन इट, किसमें जिसमें जिनके ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है, जैसे कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, उनके बॉडी में एक R जीन होता है दैट इज डोमिनेंट जीन। उसके बाद देखिए ए पर्सन हैविंग RH फैक्टर कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिसके RH फैक्टर जिसके बॉडी में होता है उसे बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं होता है उसे कहते हैं RH नेगेटिव। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज O नेगेटिव एंड यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर इज AB पॉजिटिव। उसके बाद रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज AB नेगेटिव। दुनिया में देखा गया है सबसे कम ब्लड ग्रुप किनके होता है ना AB नेगेटिव। AB नेगेटिव वाले इंसान इस दुनिया में बहुत कम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। ओके, तो ये कुछ आइडिया था ब्लड रिलेटेड। आई होप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम में जरूर काम आएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो।